नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, एक साल में किया व्यवस्था परिवर्तन, चार साल में हिमाचल को बनाएंगे आत्मनिर्भर। मुख्यमंत्री ने की दूध का खरीद मूल्य 6 रुपए बढ़ाने और जनवरी 2024 से गोबर खरीद योजना शुरू करने की घोषणा। विधवा महिलाओं के बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च राज्य सरकार करेगी वहन। आपदा प्रभावित कांगड़ा जिला के 581 प्रभावित परिवारों को 13 करोड़ 58 लाख रुपए की पहली किश्त जारी। और अब समाचार विस्तार से। वर्तमान राज्य सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर जिला कांगड़ा के धर्मशाला में आयोजित व्यवस्था परिवर्तन का एक साल राज्य स्तरीय समारोह के अवसर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार आम आदमी की सरकार है, जिसमें महिलाओं, युवाओं, किसानों और कर्मचारियों सहित हर वर्ग को सम्मान मिल रहा है। उन्होंने लाहौल स्पीति जिला की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को जनवरी माह से 1500 रुपए की राशि देने की घोषणा की और कहा कि सरकार निकट भविष्य में सभी महिलाओं के साथ किया गया वादा निभाएगी। जिन महिलाओं को अभी 1100 रुपए पेंशन के रूप में मिलते हैं, उन्हें भी अगले वर्ष से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अगले वित्त वर्ष से विधवा महिलाओं के बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन करने की घोषणा भी की। उन्होंने दूध का खरीद मूल्य 6 रुपए बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार जनवरी 2024 से गोबर खरीदना शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि ये फैसला किसानों की समृद्धि की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, आज मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ, ये वो सरकार है जो आम लोगों की सरकार है, गरीब की सरकार है, किसान की सरकार है। इस सरकार में सभी माताओं का सम्मान होगा, सभी बहनों का सम्मान होगा, किसान का सम्मान होगा, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे और कर्मचारी को पूरा सम्मान मिलेगा। हिमाचल के जो 16,000 परिवार उजड़ गए हैं, जिस गरीब का घर उजड़ा है, जिस माता का घर उजड़ा है, जिस किसान का घर क्षतिग्रस्त हुआ है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार खड़ी होगी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई, हमने 45,000 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज आप लोगों के लिए दिया। पहली गारंटी ओपीएस की पूरी की। जब हमने शिक्षा का स्तर गिरता हुआ देखा, हमने कहा था हरेक विधानसभा में 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाएंगे। हमने उसमें भी व्यवस्था परिवर्तन किया। अगले एकेडमिक सेशन से हिमाचल प्रदेश के जितने भी स्कूल है उसमें इंग्लिश मीडियम को लागू कर दिया जाएगा। तीसरी गारंटी थी हमारी 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना। क्या है ये? हमने कहा पहली स्टार्टअप योजना के तहत जो ई टैक्सी वाले हैं, अगर वो ई टैक्सी लेंगे तो उनको हम 50% अनुदान देंगे, यानी 10 लाख की गाड़ी में 5 लाख रुपया हम अनुदान के रूप में देंगे। आज इस मंच के माध्यम से मैं लाहौल स्पीति में, ये पूरे जिले में 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को प्रथम चरण में 1500 रुपए देने की घोषणा करता हूं। 2,37,000 महिलाएं जिन्हें अभी 1100 रुपया पेंशन मिलती है, उनको हम अगले साल से 1500 रुपया मासिक पेंशन देने की बात कर रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, गारंटी के अलावा हमने अनाथ बच्चों के लिए एक योजना लाई, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना। हिंदुस्तान में पहला कानून बनाकर उन बच्चों को हमने एक आश्रय दिया है, जिन बच्चों ने अपनी माता को खो दिया, अपने पिता को खो दिया, उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा हमारी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में दिया है और उनको लाभ भी मिलना शुरू हो गया। जितनी विधवा महिलाएं हैं 18 से 60 साल के बीच में, उनके बच्चे जो स्कूली एजुकेशन और कॉलेज की एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं, अगले वित्तीय वर्ष से वो चाहे डॉक्टर बने, वो चाहे इंजीनियर बने, वो चाहे आईआईटी में जाए, वो चाहे आईआईएम में जाए, उन सभी माताओं के बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी। अगले साल के बजट में हम किसानों के लिए जो दूध उत्पादक है
और जो गोबर की बात कर रहे हैं कि दो रुपए किलो गोबर सरकार कब खरीदेगी, जनवरी के पहले हफ्ते से लागू करने की घोषणा की है। मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि हमारी सरकार 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदना लक्ष्य नहीं है। किसान की समृद्धि कैसे हो, किसान कैसे दुग्ध उत्पादक से प्राकृतिक खेती की तरफ जाए, हमारी सरकार आने वाले बजट में उसका भी प्रावधान करने जा रही है। दूध पालक है, उनसे सरकार 31 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदती है। इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जनवरी से जो 31 रुपए हमारी मिलक फेडरेशन बेचारे किसान से 31 रुपए लीटर दूध खरीद रही है, उसमें 6 रुपए बढ़ाने की मैं घोषणा करता हूं। जनवरी से 37 रुपए हम किलो प्रति वो दूध खरीदेंगे। सब चीजें उस समृद्ध हिमाचल की ओर अग्रसर हो रही है जिसकी नींव हमने डाली है, और आने वाले समय में हम एक ऐसी सोलर योजना लाने जा रहे हैं। आप हमें 6 करनाल जगह दीजिए, 3 बीघा जगह दीजिए, हम आपको 20,000 रुपया पर मंथ हमारी सरकार देगी, और 2,40,000 हमारी सरकार हर साल का देगी। वो ऐसी योजना हम युवाओं के लिए लाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य के दृष्टिगत अनेक महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में JOAIT की भर्ती रुकी रही, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसकी बेहतर ढंग से पैरवी की और सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार के हक में फैसला आया। उन्होंने कहा कि जल्द ही पोस्ट कोड 817 व 939 का रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी कुछ माह में वर्तमान राज्य सरकार सरकारी क्षेत्र में 20,000 रोजगार के अवसर प्रदान करने जा रही है, जिनमें वन मित्र भर्ती, पटवारी भर्ती, मल्टीटास्क वर्कर, पुलिस व शिक्षक भर्ती इत्यादि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में भी इतनी नौकरियां नहीं दी गई। 31 मार्च 2024 से पहले 2,061 वनरक्षकों की भर्ती होगी, 1,230 पुलिस रक्षकों की भर्ती होगी, 5,000 पंप ऑपरेटर्स, मल्टीपर्पज वर्कर्स, इनकी भर्ती होगी, 975 पटवारियों की भर्ती होगी, 6,000 हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बताया, 6,000 JVT, TGT, लेक्चरर, उनके बैच वाइज इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं, उनकी भर्ती होगी। यही नहीं, एक साल में हम 20,000 सरकारी नौकरियां देने जा रहे हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, कभी एक साल में 20,000 नौकरियां नहीं मिली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में अनेक फैसले ले रही है, राजस्व बढ़ोतरी के लिए कई उपाय किए गए हैं, और शराब ठेकों की नीलामी से सरकार का राजस्व 500 करोड़ रुपए बढ़ा है। इस एक वर्ष में आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखी गई है, तथा वर्ष 2027 तक हिमाचल आत्मनिर्भर और वर्ष 2032 तक देश का सबसे समृद्धतम राज्य बनेगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू ने कहा कि उनके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में नहीं था, लेकिन 40 वर्ष की तपस्या को देखते हुए पार्टी हाईकमान ने उन्हें प्रदेश की सेवा का मौका दिया। भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में कर्मचारी चयन आयोग में पेपर बिकते रहे, भ्रष्टाचार रोकने और युवाओं के हितों के साथ हो रहे खिलवाड़ को देखते हुए इसे भंग करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने चुनाव जीतने की नीयत से अपने अंतिम वर्ष में 14,000 करोड़ का भारी भरकम कर्ज लिया, जिसका खामियाजा वर्तमान कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बदहाल आर्थिक स्थिति पर उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कमेटी बनाकर श्वेत पत्र लाया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के 4,000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया, उनके कल्याण के लिए देश का पहला कानून बनाया और मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की शुरुआत की,
जिसके तहत 27 वर्ष की आयु तक उनकी देखभाल, उच्च शिक्षा तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार उचित सहायता देगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू ने कहा कि इसी वर्ष राज्य ने इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का सामना किया। इस त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए सरकार विधानसभा में संकल्प लेकर आई, लेकिन भाजपा वहां भी प्रभावितों के साथ खड़ी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से अभी तक कोई विशेष पैकेज प्राप्त नहीं हुआ है, इसके बावजूद अपने सीमित संसाधनों से राज्य सरकार ने नियमों व कानून में बदलाव कर 4,500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया, ताकि प्रभावितों को उचित सहायता प्रदान की जा सके। उनको बिजली पानी के फ्री कनेक्शन के साथ साथ निशुल्क गैस सिलेंडर और गृह निर्माण के लिए 280 रुपए की दर से सीमेंट बोरी प्रदान कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में किराए के लिए 5,000 रुपए तथा शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपए किराए के रूप में दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसदों ने भी केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष हिमाचल प्रदेश के हितों की पैरवी नहीं की, जो प्रदेश के लोगों के प्रति उनके उदासीन रवैये को दर्शाता है। हिमाचल कांग्रेस सरकार के प्रभारी एवं सांसद राजीव शुक्ला ने वर्तमान सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि एक भी दिन मुख्यमंत्री घर नहीं बैठे और हर दिन जनता की सेवा में जुटे रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर्तमान प्रदेश सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार एक कॉफी टेबल बुक, 365 दिन 365 फैसले पुस्तिका, ई बुक तथा पत्रिका का विमोचन भी किया। ये सामग्री विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाई गई है। कार्यक्रम के दौरान ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू ने आपदा से प्रभावित कांगड़ा जिला के 581 प्रभावित परिवारों को 13,58,00,000 रुपए की धनराशि पहली किश्त के रूप में वितरित की। डमटाल मंदिर ट्रस्ट की ओर से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू को 1 करोड़ का चेक आपदा राहत कोष 2023 में दिया गया। ओपीएस यूनियन ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू को सम्मानित किया। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।